है गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। लास्ट की इस वीडियो में ट्रेलर को हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे। इस वीडियो में हमने इसको लोड कर दिया है और अब हम लोग इसको डिलीवर करने वाले हैं इसकी डेस्टिनेशन पे। चलिए, अब जिसमें ऑयल है तो इसको ऑयल को हमको डिलीवर करना है इसकी गिवन डेस्टिनेशन पे। चलिए, सक्सेसफुली हमने हमारा नया ट्रेलर लिंक भी कर दिया है और वेट बढ़ चुका है ना ट्रक में, अब थोड़ा सा हीवी चल रहा है। ठीक है, कोई बात ना। ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि मैनुअल है हमारे पास, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन में काफ़ी अच्छी पावर रखता है ट्रक। सीधा ही जाना है अपने को, तो इधर तो मुड़ना ही नहीं है। आवाज कर रहा है यहाँ का, नहीं तो दिन में चलते हैं। ठीक ठीक आवाज आ रही है, विंडो सब कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ आवाज वाले इशू है, क्योंकि खिड़कियों का रीजन ही यही होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में इतना लोड होने के बाद भी इसको टॉप स्पीड पर लेकर जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सारे गियर्स हमारे हाथ में, वाइपर्स ऑन कर लेते हैं। सेव लाइट भी ऑन कर लेते हैं। ट्वेल्थ गियर में चल रही है ट्रक। वन ट्वेंटी फाइव एंड 126 इज लास्ट। 126 ऊपर तो इसको ट्रक को वैसे भी नहीं जाना है। कुछ स्लो आएगा, मतलब कहीं से लुढ़काव वाली जगह आएगी तो वहाँ पे ही इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो डाउन होगी क्योंकि ये चढ़ाई है ना वापस। ये 125, 124, 123, 122, 121, बस भाई होगी डाउन, क्योंकि ठीक है अब नहीं होगी, अब वापस से आ गया सेम स्पीड बढ़ेगी भी। अब शायद 126 से ऊपर लेके जा सकते हैं। देखो 128, 129, 130, 131 से अब वापस डाउन हो जाए, क्योंकि इतनी स्पीड ट्रक की नहीं है ना। वन ट्वेंटी सिक्स पे कॉन्स्टेंट ट्रक चल सकता है क्योंकि इसकी हाई स्पीड 126 है, और 126 की स्पीड एक ट्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हमारे इधर तो जो इंडिया में है वो ट्रक्स तो अप्रॉक्स 60-70 की स्पीड से ऊपर चलाने लायक है नहीं, क्योंकि ट्रक की कंडीशन भी ठीक ठीक ही होती है इधर। और
जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ 70+ 70-80+ चलाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इंडिया में। क्यों? रीज़न इसकी ट्रक की कंडीशन ठीक ठीक होती है। मैक्सिमम जो ट्रक्स होते हैं वो जो टाटा के होते हैं पुराने ट्रक, उन ट्रक की कंडीशन कोई ख़ास नहीं होती अच्छी। और रोड जो हैं रोड इस टाइप के नहीं मिलते हैं जिस टाइप के रोड पे हम लोग अभी चल रहे हैं। ऐसे रास्ते तो इंडिया में मिलते ही नहीं है। कार इवन तक आप 126 की स्पीड पर नहीं चला सकते, 126 की स्पीड पर कार भी नहीं चला सकते, ट्रक तो बहुत दूर है ना। एक्सप्रेस वे जो बने हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम रोड हैं उनमें आप इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो इंडिया रोड, इंडियन तो जो रोड होते हैं इन पे गाय वगैरह हैं, मवेशी वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे ही सामने आ जाते हैं। तो फिर क्या ही इंसान चलाए? सपोज़ करो वो सामने गाड़ी जा रही है और हम लोग उसके जस्ट पीछे हैं, और मैंने जैसे ही ओवरटेक किया मेरे सामने गाय आ गई लाइक दिस। अब क्या? अब एक्सीडेंट, ठीक है। चलिए टोल टैक्स आ चुका है और ट्रोल हमको देना है एकदम प्रॉपर, ऐसा भाई। ये क्या बूस्ट लगा के चलते हैं यार भाई, इतना पावरफुल ट्रक। ये हमारा फुल एक्सेलरेशन है, इससे ऊपर हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ से हमको टर्न भी लेना है। बिना पानी के वाइपर्स कौन चलाता है? एक तो इतना सस्ता ट्रक दे रखा है हमको कि इसमें रेन सेंसर भी नहीं है, मतलब ये कि पानी है कि नहीं है उसके बाद तो छोड़ो, पर खुद से गिर रहा, खुद से चल रहा है। बंद तो होना चाहिए ना भाई खुद से। 8 मिनट की राइड है हमारी और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर कर दी है। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड होते हुए तो। और राइड तो इंटरेस्टिंग है। एक तो इसमें जो नेचर है, जो ग्राफिक्स है, जो कंट्रोलिंग है, सारी काफ़ी अच्छी है मतलब। और केबिन वाला जो व्यू आ रहा है भाई साहब गजब, प्लस जो ट्रक का साउंड है वो एकदम रियलिस्टिक है। ऐसा लगता है आपको कि ट्रक चला रहे हो आप। ठीक है, गियर डाउन कर लेते हैं, सिक्स्थ गियर इनफ है। ये जो ट्रक होते हैं इनमें 12-12 गियर होते हैं, इस ट्रक में 13 गियर हैं, 18-18 की माने होते हैं गियर होते हैं। ये निसान का है शायद, ना वोल्वो का है, ये जो स्टेयरिंग पे लोगो दिख रहा है। और एक गियर डाउन कर लेते हैं, फाइव फोर सिक्स। सीधे चले जाना भाई, सीधे ही चले जाना यार, तो डिस्टर्ब करेगा आप।
चलिए जो डेस्टिनेशन है वो तो समझो हमारी आई है। नहीं, इस वाले गांव में नहीं है क्या हमारी डिलीवरी? चलो भाई तुम आओ फॉलो करके सिग्नल। फ्यूल भी हमारा ख़त्म होने वाला है क्योंकि फ्यूल का लास्ट पॉइंट बचा है शायद, मुझे लग रहा है जहाँ तक। ओ, बच गया, गलत साइड में आ गए, रॉन्ग साइड में ट्रक को घुसा दिया। यहाँ से साइड चेंज कर सकते हैं, सब जेन्युइन है, सब लीगल है, कोई इशू नहीं। इस सिटी में नहीं है क्या हमारी डिलीवरी लोकेशन? इस सिटी में नहीं है क्या भाई? फ्यूल डलवाना पड़ेगा इसी वीडियो के अंदर यार। अब अगली वीडियो में डलवा लेंगे ना, मतलब क्या है कि इसी वीडियो में अगर डिलीवरी हो जाएगी तो हम ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 11-12 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। ओहो, गलत टाइम गलत रिएक्शन, परफेक्ट। डेस्टिनेशन इज हियर, खोल जल्दी खोल। ये झंडे लहरा दिए ना, चलो बढ़िया, परफेक्टली पार्क करेंगे भाई। बहुत खुश हैं हम अभी। क्यों क्यों खुश क्यों हूँ? आपकी खुशी का राज क्या है? राज ये है कि हमने जो सोचा था कि डिलीवरी लोकेशन जल्दी आ जाए वो आ चुकी, और अब हम लोग इसको मैन्युअली पूरा पार्क करेंगे भी। स्नेल्स, क्या पता क्या लिखा है, स्नॉल स्नॉल करके कुछ लिखा हुआ। अच्छा, रिवर्स में भी मल्टीपल गियर्स होते हैं ट्रकों में, बताया आपको? रिवर्स भी 3-4 गियर होते हैं ट्रक के अंदर। गलत हो गया, फ्यूल खत्म हो इससे पहले प्लीज को पार्क लगा दो, वरना फ्यूल अभी डलवाना पड़ जाएगा। एक चीज़ तो हमारे अकॉर्डिंग होगी कि डेस्टिनेशन हमारी जल्दी आ गई, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इस सिटी में शायद नहीं है, क्योंकि ये सिटी का एंडिंग पार्ट है, मतलब यहाँ के बाद फिर वापस हाईवे स्टार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे ही जाने दो। ओके, ब्रेक्स, यार इस बार पार्किंग में इतना ज़्यादा इश्यू क्यों आ रहा है? इतना टाइम तो लगता ही नहीं हमको। ज़्यादा जल्दी करने में पता है ये रिवर्स पार्किंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। धीरे धीरे एक्सेलरेशन करो, क्योंकि ट्रक के व्हील से ज़्यादा स्टीयरिंग घूमती है जब रिवर्स करते हो ना। ट्रक, इस टाइप के ट्रक जो उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हैं मतलब लेफ्ट काटेंगे तो राइट जाएगा, राइट काटेंगे तो लेफ्ट जाएगा। परफेक्ट, चलो डीजल अनलोड हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड उन्होंने पाइप लगा दिए, गया बंदा, कर लिया उन्होंने। और 75
डॉलर 76,783 डॉलर्स अवर करंट बैलेंस, और समथिंग 1,50,000 डॉलर्स के बाद हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रक्स आएंगे। इसमें हेवी ट्रक्स, हेवी जॉब भी पिक्स करेंगे, हम पिक करेंगे और अपना खुद का भी ट्रक खरीदेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।